के दिन पूरी दुनिया में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है, समाधान खोजे जाते हैं और संकल्प किए जाते हैं। भारत में भी महिलाओं से संबंधित अनेक मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दों पर चर्चा करना और बाद में उनको भूल जाना, ये केवल रस्म निभाई होता है। आज जब मैं सदन में प्रवेश कर रही थी, कॉमरेड गुरदास दास गुप्ता मुझे मिले और हाथ जोड़ के बोले, सुषमा जी, लेट मी ग्रीट यू टुडे। आई सेड यस, 364 डेज यू बीट अस एंड 365th डे यू ग्रीट अस। उन्होंने बहुत सहमति के स्वर में कहा, दिस इज ट्रू। इसलिए आज मेरा एक सुझाव है कि सभी मुद्दों पर चर्चा करना और उसके बाद उन्हें भूल जाना, उसकी बजाय यदि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन एक मुद्दा पकड़ें, सबसे सामयिक, सबसे प्रासंगिक, और वर्ष भर संकल्पित होकर उसका समाधान करें, और अगले वर्ष ये आकलन करते हुए संतोष करें कि उस मुद्दे का समाधान हमने कर लिया, और फिर आगे बढ़ें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और पिछले दिनों जो घटनाक्रम चला है, उसके लिए मेरा सुझाव है कि ये वर्ष हम महिला सुरक्षा को समर्पित करें। अध्यक्ष जी, जब मैं भारत की महिलाओं पर दृष्टिपात करती हूँ तो एक बड़ा असंतुलित चित्र सामने आता है। एक तरफ हम कहते हैं कि महिला हमारे यहाँ राष्ट्रपति पद पर आसीन हुई, महिला वर्षों वर्ष प्रधानमंत्री रही, आज हमारी अध्यक्षीय पीठ पर एक महिला शोभायमान है, आज सत्तारूढ़ गठबंधन की शक्तिशाली नेत्री एक महिला है, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की नेता प्रतिपक्ष महिला हैं। हमारी कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ने वर्जनाओं को भेद कर अंतरिक्ष में उड़ाने भरी हैं। संतोष यादव ने अपने महिला पांवों से बार बार हिमालय को नापा है। ये वो चित्र है अध्यक्ष जी जो हमें गौरवान्वित करता है, ये वो चित्र है जो भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ाता है। लेकिन एक दूसरा चित्र भी है, वो चित्र जहां वो महिला ना जन्म से पहले सुरक्षित है और ना जन्म के बाद सुरक्षित है। माता के गर्भ में मार दी जाती है, और ये भ्रूण हत्या करने के लिए कोई बाहर से नहीं आता, माता पिता करते हैं, दादा दादी करवाते हैं। और जन्म के बाद तो ना 2 बरस की बच्ची सुरक्षित है और ना 60 वर्ष की वृद्धा सुरक्षित है। दिल और दिमाग कौंधने लगता है जब अखबार में पढ़ने को मिलता है कि 2 बरस की बच्ची बलात्कार की शिकार हुई, 7 बरस की स्कूली बच्ची के साथ स्कूल के ही एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया, 60 वर्ष की बूढ़ी को गैंगरेप किया गया। माथा शर्म से झुकता है और दिल दर्द से भर जाता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि आज का वर्ष यदि महिला सुरक्षा के लिए हम समर्पित कर दें तो एक संकल्प ले सकते हैं, वो संकल्प जो दिल्ली के बच्चों ने लिया। 16/12 को जो घटना घटी, उसके बाद जनाक्रोश पनपा, हम लोगों को लगा अब तो स्थिति सुधरेगी, लेकिन स्थिति ये है, और ये स्थिति बदल सकती है तो केवल 2 चीजों से, समाज की सोच से और व्यवस्था के खौफ से। पर मुझे दुख से कहना पड़ता है कि समाज की सोच तो विकृत हो गई, वो हर समय रही है, सतयुग में भी रही है, अच्छे बुरे लोग समाज में रहते हैं कम या ज्यादा, लेकिन अगर सिस्टम, अगर व्यवस्था अपना खौफ बनाए रखे तो वो बुराई ढकी रहती है, वो बुरे लोग डरते हैं। आज दिक्कत यह है कि व्यवस्था का कोई खौफ नहीं बचा कहीं, और समाज की सोच तो विकृत से विकृत होती जा रही है। इसलिए मुझे ये लगता है कि आज के दिन की ये चर्चा सार्थक तब होगी जब हम सब आज संकल्प करें, जहां से आपने खत्म किया वो संकल्प हम अपने स्तर पर भी करें, हमारी राज्य सरकारें भी करें, हमारी केंद्र सरकार भी करे, हमारी विभिन्न संस्थाएं भी करें, हमारे समाज का हर व्यक्ति अगर आज ये संकल्प करे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कि हम अपनी बहन और बेटियों को सुरक्षित रखेंगे, उनके मन में कभी भी असुरक्षा का भाव पैदा नहीं होने देंगे, तो मुझे लगता है ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वाकई सार्थक हो जाएगा और पहले की तरह एक रस्म निभाने वाला नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।